बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ अब्दुल गफ़ार, आप देख रहे हैं अजीरा टीवी। नाज़रीन, शहर में जो गैर कानूनी तजावजात होती हैं वो आवाम के लिए बेशुमार मसाइल का बाइस बनती हैं। इसी तरह अजीरा शहर में भी अजल से एक लंबे अरसे से यहाँ पर भी गैर कानूनी तजावजात की भरमार है, लेकिन अब खुशाइन बात यह है कि जो असिस्टेंट कमिश्नर तहसील अजीरा हैं उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया, उन्होंने एक कदम उठाया और जितने भी गैर कानूनी तजावजात तहसील अजीरा के अंदर हैं, बिलखसूस सिटी की हद तक तकरीबन 13 किलोमीटर का जो इलाका है उनको मुस्मार किया जा रहा है। आप देख भी रहे हैं मेरे अकब में यहाँ पर इंतज़ामिया की तरफ से जो अमला है और मुख्तलिफ़ मुतलका लोग यहाँ मौजूद हैं और जो बिल्डिंग्स हैं, इमारात हैं जो यहाँ पर बनाई गई हैं, जो उनको मुस्मार किया जा रहा है, जो बिलाशुबा ये खुशाइन बात है। इससे जो आवाम है, मुकामी लोग हैं, उनको फैसिलिटी मिलेंगी, उनको उनकी ज़िंदगी में आसानी पैदा होगी। हमारे साथ बहुत सारे शहरी मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे और इस मामले पर मज़ीद जो बात करेंगे वो आप तक पहुँचाएँगे। इस वक्त नाज़रीन में मौजूद हूँ हजीरा शहर के मरकज़ में। यहाँ पर इंतज़ामिया हजीरा की जानब से जो तजावजात हैं, गैर कानूनी तजावजात हैं, उनको हटाया जा रहा है, उनको मुस्मार किया जा रहा है। मेरे साथ इस वक्त सिविल सोसाइटी के वकला तंजीम के कुछ अहदेदारान मौजूद हैं। नईम साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। सर, इंतज़ामिया की जानब से हजीरा का एक बड़ा देरीना मसला था कि गैर कानूनी तजावजात थी, उसकी वजह से बहुत सारे मसाइल थे, आम पब्लिक को मसाइल थे, अब उनको हटाया जा रहा है, उनके खिलाफ ऑपरेशन का आगाज़ हो चुका है, इसको आप किस नज़र से देख रहे हैं? बहुत शुक्रिया अजीरा टीवी, गफ़ार साहब आपका। जिस तरह मेरे तमाम दोस्तों ने बात की है कि इस वक्त अजीरा के अंदर जो पिछले 70 साल से इस अजीरे के अंदर जो सबसे बड़ा इशू था कि वो तजावजात के वाले से था, तो मैं इस वक्त सबसे पहले जो हमारे एसी अजीरा हैं सरदार वली साहब, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो इंतहाई दयानदार और ईमानदार अफ़ीसर हैं। वो पहले भी यहाँ आए हैं और यहाँ आके जितने भी गरीब लोगों की आवाज़ बने, इस वक्त भी जो पिछले 2 साल से ये काम जो ये हमारी जो रोड थी, जो पिछले यहाँ पे जो लोग काबज़ थे, यहाँ तजावजात हुई थी, तो उस पर दोबारा ऑपरेशन शुरू हो गया है। तो मैं अपनी पूरी ताजिब बरदरी की तरफ से, सिविल सोसाइटी की तरफ से अपने एसी हजीरा को यकीन दिलाता हूं कि आप ये जो तजावजात हैं, जो ऑपरेशन है, इसको शुरू रखें और इंशाल्लाह हम आपके साथ चिटान की तरह खड़े हैं। कोई भी माफिया, कोई भी इंशाल्लाह इसमें रुकावट हम उसको नहीं बनने देंगे। जिस तरह बाकी भी आपने सराड़ी की रोड पर 13 किलोमीटर रोड का जो नोटिफिकेशन हुआ, उस पर जो ऑपरेशन है, और भी इस शहर के अंदर जो अड्डे से नीचे जो रोड दो मेल की तरह रंगड़ की तरफ जाती है, वहाँ कोई भी आदमी जो है चारपाई लेके बाहर नहीं निकल सकता, वहाँ तो तजावजात हैं। जिस तरह इधर नीचे दर्जी मार्केट है, थाने के नीचे, वहाँ तजावजात हुई हैं। और मैं एसी साहब को ये कहना चाहता हूँ कि ये ऑपरेशन यहाँ रुकना नहीं चाहिए, ये यहाँ से लेके जो हमारा बटनरी वाला एरिया है, वहाँ से जितना भी ये एरिया में तजावजात हुई है, ये रोड ताकि नीचे मेन रोड तक, कोटली रोड तक मिलनी चाहिए। बहुत शुक्रिया जी। बात रहमान काशिर साहब इस वक्त मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे। सर, गैर कानूनी तजावजात हजीरा में एक अरसे से मौजूद हैं, अब उनके खिलाफ इकदाम उठाए जा रहे हैं एसी हजीरा की जानब से, पिछले चंद अरसे से यहाँ पर काम किया जा रहा है, आप क्या कहना चाहेंगे और आप किस तरह के तासरात रखते हैं सारे काम के बाद? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया हजीरा टीवी कि आप यहाँ तशरीफ लाए। मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आप गैर जानबदाराना यहाँ पर रिपोर्टिंग करते हैं। तो यहाँ पे जो तजावजात हैं, जैसे मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि यह जीरा जो है तजावजात का गढ़ बन चुका है। जहाँ देखे जो नाले थे वो सारे बंद किए हुए हैं, जो रास्ते थे वो सब बंद हो गए, यहाँ से अब लोगों का निकलना मुश्किल हो गया। और जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं, जो बेचारे कई बरसा पहले जिन्होंने मकान बनाए, तो कई ऐसे गरीब लोग हैं कि उनको अब वहाँ से जनाजे निकालने की जगह नहीं है। तो ये जो है, ये मेन शारा है जो हॉस्पिटल को, कचहरी को, थाने को टच करिए, जहाँ पर हम लोग खड़े और ऑपरेशन शुरू है, ये 2 साल पहले स्टार्ट हुआ था। फिर शान साहब थे, एसी साहब वहाँ उनकी मौजूदगी में, लेकिन फिर सब मैरी का शिकार हो गया, बल्कि रुक गया। अब यहाँ पे लोगों की दुकानें थी, मकान थे, लोग बेघर हुए, दुकानें ख़त्म हुई, लोगों की इनकम रुक गई। ठीक है, वो तजावजात पे बहुत सारे लोगों ने रजाकाराना तौर पे सरेंडर किया और ख़ुद जो है ना अपनी दुकानें तोड़ी। वो इस खुशी में थे, वो चाह रहे थे कि ये रास्ते खुलने चाहिए। अब जबकि माफिया यहाँ पे आ गई हैं, हमें पहले से ही अंदेशा था, हमने डी साहब की, इस कमिश्नर साहब की खुली कचहरी में भी कहा कि इस अगर ऑपरेशन को मंतकी अंजाम तक पहुँचा सकते हैं तो इसे स्टार्ट। अब हम जो इस वक्त जो हमारे इस साहब हैं, बदकिस्मती इस शहर की ये है कि ये लावारिस शहर है, यहाँ पे जो ईमानदार ऑफिसर आता है उसको यहाँ पे टिकने ही नहीं दिया जाता। बड़ी मुश्किल से 10-15 दिन या महीना 2 महीने, उसके अगर माफिया जो बता खोरों का जो है ना जरिया नहीं बनता, जो कमीशन खोरों का जरिया नहीं बनता, जो रिश्वत खोरों का जरिया नहीं बनता, या उनको मुँह नहीं लगाता, तो ये सारी माफियाज मिलकर उसके पीछे एका कर देते हैं और फिर ये सब नौसरबाज मिलकर उसके पीछे पड़ते हैं कि ये यहाँ से इसका तबादला हो, उन्हें अपनी मंशा का आदमी चाहिए होता। और हमारे किस
हरगिज़ ऐसा नहीं होने, हम इस लोगों की वसादत से, एहलियान हजीरा की वसादत से और तहसील हजीरा के जितने लोग हैं उनकी वसादत से हम ये कहना चाहते हैं कि अगर यहाँ पे ईमानदारी के साथ इस एक वलीद अनवर साहब को काम ना करने दिया गया और उनका तबादला हुआ और ये ऑपरेशन रुक गया तो हम टकर जाएंगे इनको, हम कभी किसी को माफ़ नहीं करेंगे। इस माफिया समेत जो हुकाम बाला है उनको भी ये मैसेज देना चाहते हैं कि ये ऑपरेशन जो है ये जीरा के मंतकी अंजाम को पहुँचने चाहिए और वलीद अनवर साहब जैसे ईमानदार ऑफिसर को ये ऑपरेशन का में उसकी मामनत करे हुकूमत और अफिसरान जो बाला अफिसरान है वो उनकी मामनत करें ताकि ये ऑपरेशन कामयाब। अगर ऐसा ना हुआ तो हम इस पूरे आलिया ने हजीरा की तरफ से ये मैसेज देना चाहते हैं कि हम भरपूर एहतियात करेंगे और टकर जाएंगे। इस वक्त मेरे साथ जावेद चौधरी साहब मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। जो गैर कानूनी तजावजात थी उन पर तेज़ी के साथ काम जारी है, उन्हें हटाया जा रहा है। जावेद चौधरी साहब कितनी एक ज़रूरी बात समझते हैं ये और कितनी एक अहमियत समझते हैं इनकी कि ये ख़त्म होनी चाहिए ताकि आवाम के लिए रास्ते खुलें और आवाम अपने मुश्किल में कमी कर सकें। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, मैं सबसे पहले तो जीरा टी वी का शुक्रगुजार हूँ कि इस शहर के जो सबसे दरीना मसला है उस पर आज आपने जो है वो कवरेज की है। मैं समझता हूँ कि इस शहर का ये सबसे बड़ा मसला है जो गैर कानूनी तजावजात हैं कि यहाँ पे लोगों को जो है वो जनाजे निकालने के लिए जगह नहीं है और यहाँ पे हॉस्पिटल्स में पहुँचने के लिए मरीजों के लिए कोई एक्सेस नहीं है कि वो पहुँच सकें और उन्हें सराड़ी बाज़ार से आते हुए जो जिस तरीके से जो ट्रैफिक है वहाँ पे जैम होती है और यहाँ पे जगह जगह पे इंक्रोचमेंट है। रेवेन्यू जो अफिसरान माजी के अंदर गुजरे उनकी जो है वो कासा लेसी और उन्होंने पता नहीं क्या करके इन लोगों को किस फरमान के तहत इजाज़त दी है कि वो ये जो नाले हैं, ये जो जितने भी जो नदी नाले हैं उनके ऊपर इन्होंने इंक्रोचमेंट की हुई है और ये जो है ये डोगरा रजीम के दौर के अंदर ये रिकॉर्ड के अंदर मौजूद है ये रास्ता। लेकिन माफिया जो है उसको कभी किसी शक्ल में यहाँ पे कभी किसी तरीके के साथ इस जो है वो उसमें रुकावटें डाल रही है और ये काम नहीं होने दिया जा रहा। मैं इंतज़ामिया को अप्रिशिएट करता हूँ, SDM वलीद अनवर साहब को, उनकी पूरी टीम को, तहसीलदार साहब के वो उन्होंने इनिशिएटिव लिया, एक अच्छे फर्शनास अफ़ीसर जो हैं वलीद साहब वो यहाँ पे आज तैनात हैं, वरना लोग दफातर के अंदर बैठ के डोमिसाइल्स पे साइन करके यहाँ पे अपनी ड्यूटी पूरी करके यहाँ से ट्रांसफ़र होकर चले जाते हैं। लेकिन जब कोई इस शहर के अंदर इसकी तजावजात को हटाने के लिए इसके जेन्युइन इश्यूज को एड्रेस करने की कोशिश करता है तो यहाँ की जो माफिया है अक्रॉस द वो जो है वो सेक्ट और अक्रॉस द पार्टीज़ वो इकट्ठी हो जाती है और इस शहर के अंदर जो है वो कोई पॉजिटिव काम नहीं होने दे रहे। तो मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी कहूँगा कि वो भी खुद इस काम की निगरानी करे और जो है वो AC साहब को और तहसीलदार साहब के पीछे जो है वो पूरे तरीके से वो इनकी हौसला अफजाई करें ताकि जीरा से इन तजावजात का खात्मा हो सके। बाईपास पे तजावजात हैं, ये जो बाईपास के साथ जो नाला है उसके ऊपर तजावजात हैं, ये जो शहर की मेन सड़क है इसके ऊपर तजावजात हैं और ये जो पुट छपरियाँ सड़क है उसके ऊपर तजावजात हैं। ये सारी की सारी एक ऑपरेशन की ज़रूरत है। वो जो नाला एक आ रहा है ऊपर से वो कथियाड़े वाला उसके ऊपर तजावजात हैं तो ये सारी की सारी तजावजात देखने की ज़रूरत है। जी बिल्कुल, जितनी भी गैर कानूनी तजावजात हैं उनको ज़रूर ख़त्म करना चाहिए। और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है जनरल सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट यूनियन तहसील हजीरा के, उनसे हम बात करेंगे। जो गैर कानूनी तजावजात हैं उस हवाले से हम बात कर रहे हैं, मुख्तलिफ मकतबा फिक्र से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हमारे साथ मौजूद हैं। सर, गैर कानूनी तजावजात का खात्मा हो रहा है, बहुत तेज़ी के साथ काम चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, सबसे पहले मैं हजीरा TV का शुक्रगुजार हूँ कि जहाँ कहीं कहीं अवामी मामलात या अवामी मसाइल डिस्कस हुए हैं तो उन्होंने अपना रोल प्ले करते हुए कवरेज दिया, इसमें मैं आपको फर साहब अप्रिशिएट करता हूँ। तो सबसे बड़ी जो हमारी खुशनसीबी है कि हमारे पास एक बहुत अच्छी टीम हजीरा इंतज़ामिया में असिस्टेंट कमिश्नर वलीद साहब की सूरत में हमें मिली और जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया, जो कि एक देरीना प्रॉब्लम है हमारे शहर में। हमारे रास्ते, हमारे पैदल चलने की गुजरगाहें और हमारी गाड़ियों और ट्रैफिक की जो रवानी में खलल पैदा हो रहा है उससे हम सब लोग शहर के बाखूबी वाकिफ़ हैं। तो हम इस चीज़ पे पुरजोर मुतालबा भी करते हैं अपने जो ज़िले की इंतज़ामिया है, कमिश्नर साहब हैं, DC साहब हैं और उनसे बला जो ऑफिसर हैं कि बराए करम जिस तरह के रवायत में आया है कि जो भी अच्छे काम करने वाले को ऑफिसर्स आए हैं तो उन्हें फिल फोर या तो ट्रांसफ़र किया गया है या जो है ना उनको किसी किस्म में इंक्वायरी में डाल दिया गया। तो मेरी पुरजोर इस चीज़ पर मुतालबा भी है, मैं हैज़ ए सेक्रेटरी जनरल ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन और अपनी पूरी ट्रांसपोर्ट यूनियन की तरफ से ये यकीन दहानी करवाता हूँ तो इंशाल्लाह ताला जो ऐसे अच्छे काम और जहाँ ये इस तरह की गैर वागजारी की बात हो या कहीं तजावजात हटाने की बात हो तो हमारी ट्रांसपोर्ट यूनियन इंशाल्लाह ताला पेश अपना किरदार सर अंजाम देगी। बहुत शुक्रिया।
क्योंकि आपके तल्लक ट्रांसपोर्ट के साथ है, जो अमूमन जो रॉन्ग पार्किंग देखते हैं या बेहंगम रश देखते हैं, उसको कैसे ख़त्म किया जा सकता है, कैसे कम किया जा सकता है और इंतज़ामिया उसमें क्या किरदार अदा कर सकती है, बताइए जी। गफ्फार साहब, बहुत अच्छा पॉइंट आपने रेज़ किया है। इसमें यह है कि सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे तजावजात की वजह से ऐसा स्पेस हमारे पास हजीरा में कहीं मौजूद नहीं है, क्योंकि ना हमारे पास कहीं मोटरसाइकिल स्टैंड्स के हवाले से, ना प्राइवेट पार्किंग के हवाले से, ना ही हमारी जो जितनी ट्रांसपोर्ट है जो दूसरे ज़िलों और तहसीलों को टेस्ट करते हुए यहाँ से गुजरती है, उनके लिए भी यहाँ से गुजरगांव में बहुत प्रॉब्लम दुश्वारी पैदा हो रही है। सबसे बड़ी मैटर उसमें जो तजावजात हैं, ये तजावजात ना होंगी तो हमारे पास हजीरा शहर में स्पेस पैदा होगा, हमें पार्किंग की जगह मिलेगी और हमारे जो रोडों पर पार्किंग हो रही है वो गाड़ियाँ जो है अपनी किसी पार्किंग में एडजस्ट की जाएंगी। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं इमरान मसूद साहब, हजीरा की सियासी और समाजी शख्सियत हैं, इस वक्त मौजूद हैं जहां पर तजावजात के हवाले से काम हो रहा है, उनको मुस्मार किया जा रहा है, वहां पर मौजूद हैं। इनसे तासरात जानेंगे। सर, एससी हजीरा की जानब से एक अच्छा कदम उठाया जा रहा है, यकीनन खराज तहसीन पेश करने के काबिल ये कदम है, आप किस नज़र से देखते हैं, बताइएगा जी। शुक्रिया हजीरा टीवी। जनाब, हमने पहले भी 2 साल से ये ऑपरेशन शुरू है, पहले एक एस साहब आए, फिर उनका तबादला हो गया जीशान साहब, फिर वलीद साहब ने आके स्टार्ट किया, इनका तबादला हो गया, फिर ये आए और ये बड़ी खुशाइन बात है कि हम सभी लोग खुश हैं कि ये एक जहाँ हम खड़े हैं, ये हॉस्पिटल, कोर्ट्स और पुलिस स्टेशन और सारे ऑफिस यहाँ पे हैं और ये रोड उसको टच कर रही है, और इसकी वजह से बाज़ात इमरजेंसी में कोई मरीज़ आ जाता है तो वहाँ पे वो थाना रोड पे स्टक हो जाते हैं। तो ये एक मुतबादल रास्ता है और ये रास्ता है जो तजावज़ हुआ था, बाज़ लोगों ने वॉल्टियरली रजाकाराना तौर पर दिया है, बाज़ लोगों ने कोर्ट्स में चले गए, लेकिन अभी जो मसला है वो ये है कि कुछ लोग जनाब अजीम वलीद साहब के ख़िलाफ़ सिर्फ इसलिए हैं कि मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ जगहों पर ऑपरेशन ये कर रहे हैं, नाजायज़ तजावजात हटा रहे हैं। और मैं इस सिलसिले में ये कहूँगा कि प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर और लोगों से भी कहूँगा, जो भी मुतल्लिका ऑफिसर्स हैं, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स हैं, कि खुदा रहा हजीरे में कोई दयानदार ऑफिसर रहने दें यहाँ पे, और इस माफिया से हमारी जान छुड़ाएं कि जो भी थाने से लेके तहसील से लेके यहाँ पे जो भी करप्ट आदमी आता है उसके साथ लोगों का एक ग्रुप हो जाता है और उसमें सियासी हमारे एमएलए साहब से लेके इसमें इन्वॉल्व होते हैं और हमेशा होते रहे, ये कोई पहली दफ़ा नहीं हुआ। मेरी ये गुजारिश है वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर से, अथॉरिटीज़ से गुजारिश है कि खुदा रहा यहाँ पर कोई ऑफिसर को अच्छा काम करता है तो उसको टिकने दें यहाँ पर, ताकि हमारे लोगों के छोटे मसाइल हैं, ट्रैफिक के मसाइल ख़ास करके हजीरा सिटी में बहुत बड़ा इशू है कि यहाँ स्टक होती है ट्रैफिक, लोग ट्रैफिक जैम हो जाती है, यहाँ बाईपास का इशू था वो भी उसी तरह पड़ी हुई है, जो वहाँ से जानी थी पार वो उसका भी ब्रिज भी लग गया है वो भी उधर ही पड़ा हुआ है। ये जितनी रोड्स हैं, ये जितनी जो पुराने दौर के रास्ते हैं जहाँ से ट्रैफिकिंग होती थी पुराने दौर में महाराजा के दौर से, वो बंद पड़े हुए हैं। ये उसके खिलाफ जो ऑपरेशन हो रहा है, हम तो पहले शुरू दिन से ही इसके हामी थे, आज भी हैं, और मुझे यकीन है कि सारी सिविल सोसाइटी, हजीरा के रहने वाले, गिरदोनवा के रहने वाले लोग सारे अजीम के साहब के साथ इसलिए खड़े कि वो एक अच्छा काम कर रहे हैं। और मेरी गुजारिश है अकाम बाला से कि इन पे प्रेशर न डाला जाए, अगर आप इन पे प्रेशर डालेंगे तो हम सड़कों पे आ जाएंगे। तो मेरी यही गुजारिश है कि ऐसे ऑफिसर्स को जो अच्छे काम करते हैं, जो रिश्वत नहीं लेते, जो लोगों के मसाइल हल करने की कोशिश करते हैं, तो जो ला को इम्प्लीमेंटेशन करने के चक्कर में आएंगे, ला पे अमल किया जाए, उनको यहाँ रहने दिया जाए। बहुत शुक्रिया जी। जिस तरह नाज़रीन हमने मुख्तलिफ शहरियों से बात की, मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र से तल्लक रखने वाले अखबाब ने हमसे बात की और उन्होंने इस कदम को जो इंतज़ामिया की जानब से लिया जा रहा है, यानी गैर ज़रूरी जो तजावजात हैं, गैर कानूनी तजावजात हैं, उनको मस्मार किया जा रहा है, इसको खुशाइन करार दिया और अप्रिशिएट किया इंतज़ामिया के इस कदम को, और इस बात का अंदिया दिया कि हर बार की तरह अगर इस बार भी हजीरा की इंतज़ामिया का, एससी साहब का या इनसे जुड़े जितने भी अखबाब हैं इंतज़ामिया से जुड़े, उनका अगर तबादला हुआ तो ये शदीद एहतजाज करेंगे। उनकी गुजारिश थी अरबाब हुकाम से कि इनको यहाँ मौजूद रहने दिया जाए ताकि ये बेहतर अंदाज से जिस काम का इन्होंने आगाज़ किया है इसको इख्तिताम तक पहुँचा सकें। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह आपका हामी व नासिर हो।